हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक बुक बाय मोहिनी। तो आज हमने बनाई है स्पाइसी वेज इडली। तो ये वाली इडली इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना, तो कि आप इसको देखते ही बनाओगे। बच्चे बड़े इसको सब बहुत खुश होकर खाते हैं। तो ये वाली इडली बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है हमारे पास पालक। तो ये हमारे सारी चीज़ें हमारे खुद के किचन गार्डन की हैं, फ्रेश पालक, स्प्रिंग अनियंस। तो जो बच्चे पालक नहीं खाते उनको आप ऐसे पालक खिला सकते हो। तो ये स्प्रिंग अनियन के जो फूल है ना, वो भी हम इसी में डालेंगे इडली में ही। और ये हमारे पास है फ्रेश धनिया, और तीन चार हमने रख लिए है हरी मिर्ची, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, और एक मैंने रख लिया कड़ी पत्ते का, और ये है हमारे पास हरी लहसुन के पत्ते। तो ये हरी लहसुन भी हमारे घर में किचन गार्डन में लगी हुई है। तो ये सारी सब्जियां हमने वहीं से फ्रेश तोड़ी हैं। और चलिए इनको सबसे पहले हम करेंगे वॉश, और फिर हम इनको करेंगे चॉप। तो धोने के बाद हमने सब्जियों को काट लिया है। तो ये हमने अपने पास काट के रख लिए हैं अदरक, हरी मिर्ची, धनिया, पालक, स्प्रिंग अनियंस। इनको हम करेंगे मिक्सर जार में ग्राइंड। तो चलिए सबसे पहले हमने प्याज डाल दिए, स्प्रिंग अनियंस। अब हमने डाल दिए इसमें हरी लहसुन के पत्ते, और ये काटा हुआ अदरक भी हम इसमें डाल लिए। थोड़ी सी हमारे पास हरी मिर्ची, वो भी हमने इसमें डाल दिए, और कड़ी पत्ते के पत्ते भी हमने इसमें डाल दिए। धनिया जो फ्रेश था वो भी हमने इसमें डाल दिया, और जो पालक है वो सारी की सारी हमने मिक्सर जार में डाल दिए। तो ग्राइंड करने के लिए आप एक दो चम्मच इसमें पानी डाल सकते हो। तो हमने इसका बनाना है एक अच्छा सा पेस्ट। ये देखिए हमने पीस लिया है अपने सारी सब्जियों को। तो अब हमने अपने पास रख ली है एक कटोरी दही, और सेम साइज़ की कटोरी मैंने अपने पास रख ली है सूजी की। तो दही हमने पूरी डाल दी है मिक्सर जार में, और सूजी को हम आधा डालेंगे, हाफ कटोरी इसमें डाल देंगे सूजी की। चलिए इसको फिर से हम मिक्सर जार में डाल के पीसेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम इसमें डाल रहे हैं नमक। तो एक टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया। थोड़ा सा हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा डाल देंगे हम गर्म मसाला, ताकि जो हमारी इडली है ना बिल्कुल स्पाइसी बने। एक चम्मच हमने इसमें डाल दिया चीनी का, और जो बाकी की सूजी थी ना वो भी हमने इसमें डाल दी। अब हम करेंगे इसको मिक्सर जार में ग्राइंड। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बन गया, लेकिन हमें ना सूजी थोड़ी और चाहिए होगी। जब हम इसमें डालेंगे इनो, तो उसके बाद हमें पता चलेगा, क्योंकि इनो डालने से जो है ना एकदम लिक्विड पतला हो जाता है। तो 3/4 टीस्पून हम इसमें इनो पाउडर डालेंगे। बस इनो पाउडर डाल के आप ना फिर इसको हिलाना, तो फटाफट ये हमारा मिक्सचर है फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखो लिक्विड है पहले से पतला हो गया, तो इसको थोड़ा सा हम थिक करेंगे। और तो थोड़ी सी सूजी हम इसमें और डाल देंगे, एक दो टेबलस्पून। तो हमें थोड़ा सा थिक बैटर चाहिए होगा इसका। अच्छे से इसको मिक्स कर दो, ताकि जो हमने अभी सूजी डाली है ना वो सारी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, और जो बैटर है उसकी सारी कंसिस्टेंसी है स्मूथ हो जाए। चलिए अब हम इसको बनाएंगे माइक्रोवेव में। तो मैंने ये माइक्रोवेव वाले मोल्ड्स अपने पास रख लिए हैं। तो इनको आपने सबसे पहले करना है ग्रीस। तो ग्रीस्ड मोल्ड्स में आपने थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के इडलीज बनानी है।
अगर आप गैस के ऊपर बनाते हो कढ़ाई वगैरह में डाल के, जैसे पानी से स्टीम से बनाते हैं, जो आपके पास दूसरा अपना इडली मेकर है जो गैस के ऊपर काम करता है, तो आप उसमें बना लेना। लेकिन ये वाला है जो माइक्रोवेव वाला इडली मेकर है, ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है और टाइम भी नहीं कुछ लगता। तो ऐसे ही हमने सारे के सारे मोल्ड्स अपने रेडी कर लेने हैं। तो सबसे पहले हम जो इडली का स्टैंड है ना, उसके बेस के ऊपर 10-15 ml पानी डालेंगे। तो ये डालने से क्या होता है, हमारा जो मोल्ड्स हैं वो कभी भी मेल्ट नहीं होते। तो सारे मोल्ड्स हैं उनको आप इडली स्टैंड के ऊपर फिट कर दो। तो हमारी 12 इडलियाँ ना एक ही टाइम पे रेडी हो जाएंगी। और ऊपर से ढक्कन लगा के हम इसको करेंगे माइक्रोवेव। तो ये वाला इनालसा का इडली मेकर है मेरे पास, इसके ऊपर टाइम लिखा होता है 4 मिनट्स, लेकिन हमारा जो माइक्रोवेव है ना वो प्री हीटेड नहीं होता। तो हमेशा जब भी पहला लॉट हम लगाते हैं ना इडली बनाने का, तो हम 4:30 मिनट्स पे इसको सेट करते हैं, तो इडली हमारी आराम से बन जाती है। तो माइक्रोवेव को हमने सेट कर दिया है 4:30 मिनट्स पे। तो जब तक इडली बनती है तब तक हमने कढ़ाई रख ली है गैस के ऊपर। तो गर्म तेल में अब हम डाल रहे हैं थोड़ी सी ब्लैक सरसों, और अब हम इसमें डालेंगे अपने फ्रेश कड़ी पत्ता। तो ये दोनों चीज़ें जब हम डालते हैं ना, तो एकदम तेल है वो मुंह के ऊपर आता है, क्योंकि ये चीज़ें स्पार्कल करती हैं। तो हमेशा इसको लिड लगा के ही आप पकाइए। तो एक प्याज को गोल गोल काट के आप इसमें डाल दो। थोड़ा सा हम इसको भुनेंगे, हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। ज़रा सा इसका कलर चेंज हो गया ना, तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। बस जितना ये प्याज है ना उनके उतने ही नमक चाहिए हमें। तो 1/4 teaspoon ही हम इसमें नमक डालेंगे, और थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें हल्दी, ताकि जो हमारे प्याज हैं इनका एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो 1-2 pinch ही आपने डालनी है हल्दी। आप देखोगे कि इसका बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। तो जब तक हमने ये मसाला बनाया, तो इडली भी हमारी हो गई है रेडी। उसको हमने बाहर निकाल लिया। तो ये देखो, आप देख रहे हो कि एकदम से कुक हो गई है। तो मोड से आराम से बाहर आ जाएगी इडली। तो सारी इडली को हम बाहर निकाल लेंगे मोड से, और इसको बस ये वाला है ना हमारा प्याज वाला मिक्सचर, इसमें हम स्टर फ्राई करेंगे 1/2 मिनट के लिए, क्योंकि सब कुछ कुकड़ी है। तो आपको ज़्यादा इसको टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी। है ना, कितनी अच्छी इडली बन गई हमारी हो गई है रेडी। देखने में कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ये वाली वीडियो देख के मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि आपने ये वाली इडली ट्राई की है कि नहीं की। अगर की है तो आपकी इडली फिर कैसी बनी है। तो एकदम ये वाली स्पाइसी इडली है, और फैमिली मेम्बर्स इसको खा के ना पूरे खुश हो गए हमारे। चलिए आपको काट के दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, अंदर से भी इडली की लुक आपको दिखाते हैं कि कैसी है। है ना, एकदम स्पॉन्जी बनी हुई। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।